मानसिक बीमारियां क्या होती हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनको कैसे पहचाना जाए, आज इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक सीनियर साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। तो मानसिक बीमारियाँ, जिसको हम साइकेट्रिक इलनेस या साइकोलॉजिकल इलनेस भी कहते हैं, इनको कैसे पहचाना जाए, इनके लक्षण क्या होते हैं आखिर। जब भी हम किसी साइकेट्रिक इलनेस के बारे में बात करते हैं, मानसिक बीमारी के बारे में बात करते हैं, तो आमतौर पे तीन डोमेन्स में उसके सिम्टम्स मिल सकते हैं। पहला होता है सिम्टम्स ऑफ इमोशंस या फिर डिसऑर्डर्स ऑफ इमोशंस, आप कैसा महसूस करते हैं उसकी एबनॉर्मेलिटीज़। दूसरा होता है डिसऑर्डर्स ऑफ थॉट, आपकी सोच की एबनॉर्मेलिटीज़। और तीसरा होता है डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं उसकी एबनॉर्मेलिटीज़। तो इन तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमोशंस या फिर फीलिंग्स की एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में। अब दोस्तों आमतौर पर हर इंसान कभी थोड़ा खुश होता है, कभी थोड़ा दुखी होता है, कभी थोड़ा गुस्सा होता है, कभी थोड़ा घबराहट होती है उसको, ये सब को नॉर्मल माना जाता है, ये कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन यदि कोई एक पर्टिकुलर इमोशन कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो और कुछ ज़्यादा ही लंबे समय तक चलता रहे तो वो एबनॉर्मल माना जाता है। जैसे कि कभी कभार हम सभी दुखी होते हैं या सैड फील करते हैं, लेकिन अगर सैडनेस एक लेवल के ऊपर पहुँच जाए तो उसको हम डिप्रेशन मान सकते हैं या फिर डिप्रेस मूड बोल सकते हैं। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें ये नॉर्मल सैडनेस को एबनॉर्मल सैडनेस से? दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, परसिस्टेंट एंड परवेसिव। सो परसिस्टेंट एंड परवेसिव सैडनेस इज व्हाट डिफाइंस डिप्रेशन। समझते हैं मतलब क्या हुआ इस चीज़ का। परसिस्टेंट मतलब एक ऐसी उदासी जो कि हमेशा ही है, चले ही जा रही है, हर चीज़ में है। जैसे कि आमतौर पे देखा गया है कि मान लीजिए आप दुखी भी हैं और आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, किसी ने जोक किया या कोई परिवार वाला मिलने आ गया, तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। लेकिन अगर आपको परसिस्टेंट सैडनेस है तो वो हमेशा ही रहेगी, किसी भी चीज़ से बदलेगी नहीं। और परवेसिव मतलब लाइफ के हर डोमेन में, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे आप मूवीज़ देख रहे हैं, हमेशा ही वो उदासी आपके मन में रहेगी। तो अगर ये उदासी परसिस्टेंट और परवेसिव हो रही है तो इसको नॉर्मल नहीं माना जाएगा, ये शायद डिप्रेशन का लक्षण है। जैसे उदासी एक एबनॉर्मल इमोशन हो सकता है, वैसे ही घबराहट भी कॉमनली एक एबनॉर्मल इमोशन होता है। कभी कभार घबराहट होना नॉर्मल है, कल आपका एग्ज़ाम है, कल आपकी ऑफिस में प्रेजेंटेशन है, थोड़ी आपको एंग्जाइटी हो रही है, वो ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ ज़्यादा ही एंग्जाइटी होती है, आपको इतनी एंग्जाइटी हो रही है कि प्रेजेंटेशन आप दे ही नहीं पा रहे हैं, या फिर प्रेजेंटेशन के टाइम पे आपके चेहरे पे पसीना आ रहा है, आप कांप रहे हैं, लोग देख रहे हैं आपको कि क्या हो गया है इसको, वो एबनॉर्मल है। या फिर बिना किसी वजह के एंग्जाइटी या घबराहट होना, आप घर में बैठे हैं, आपके मन में चल रहा है कि आपके हस्बैंड घर पे टाइम पे क्यों नहीं आए, बच्चों को स्कूल में कुछ हो तो नहीं गया, पेरेंट्स की तबीयत कैसी है, और ये सब सोच के मन में घबराहट आ जा रही है। बिना किसी वजह के अगर घबराहट हो रही है उसको भी एबनॉर्मल माना जाता है। कई बार लोगों को अपने खुद के शरीर को लेकर घबराहट होने लगती है, चेक करते रहते हैं कि बीपी तो नहीं बढ़ गया, चेक करते रहते हैं कि हार्ट रेट तो नहीं बढ़ गई, बार बार ECG कराते हैं, बार बार टेस्ट कराते हैं, सब कुछ नॉर्मल आने के बाद भी मन में घबराहट रहती है कि कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं कोई बीमारी ना हो जाए, इसको भी एबनॉर्मल माना जाएगा, एबनॉर्मल एंग्जाइटी माना जाएगा। तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी, एक्सेसिव सैडनेस एंड एक्सेसिव एंग्जाइटी, ये कॉमन एबनॉर्मल इमोशंस माने जाते हैं। दूसरी बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ थॉट के बारे में, जो सोच की एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। अब देखिए, एक एबनॉर्मेलिटी सोच की होती है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव थिंकिंग, अक्सर डिप्रेशन के पेशेंट्स में पाई जाती है। इन केसेस में इनके मन में हर चीज़ के बारे में नेगेटिव थॉट ही आता है, अपने बारे में स्पेशली नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इंसान के मन में अपने लिए आता है कि मैंने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, कोई मुझे पसंद नहीं करता। फ्यूचर के बारे में नेगेटिव थॉट कि ज़िंदगी आगे भी ख़राब ही रहने वाली है, आगे भी कुछ अच्छा होने के चांसेस नहीं है, कोई मेरी मदद नहीं कर पाएगा, इस टाइप के नेगेटिव थॉट्स एबनॉर्मल माने जाते हैं, अक्सर डिप्रेशन में पाए जाते हैं। थॉट की एक एबनॉर्मेलिटी जो कि स्किज़ोफ्रेनिया में पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं डिल्यूजन। कई बार इसको शक भी बोला जाता है। डिल्यूजन में क्या होता है, पेशेंट को किसी एक ऐसी पर्टिकुलर चीज़ पे बिलीफ हो जाता है जो कि गलत है, लेकिन उसका बिलीफ टस से मस नहीं होता, बिल्कुल हिलता नहीं है। मान लीजिए एक पेशेंट को बिलीफ हो गया कि पड़ोसी मेरे को घूर रहे हैं,
पड़ोसी मुझे मारना चाहते हैं, मेरे घर वाले मेरी जायदाद लेना चाहते हैं, किसी पेशेंट को बिलीव हो गया कि उसकी उसको लगता है उसकी वाइफ का कहीं अफेयर चल रहा है। अब ऐसा कुछ है नहीं, आप पेशेंट को कितना भी रीज़न दे दीजिए, कितना भी समझा दीजिए, आप उसको बताइए कि आपकी वाइफ तो घर से बाहर तक ही निकलती है, अफेयर कहाँ से होगा, लेकिन ये बातें मान नहीं पाते हैं क्योंकि एक बीमारी का पार्ट है, ये डिल्यूजन है। डिल्यूजन भी एक सोच की बीमारी है। और तीसरी टाइप की बीमारियाँ होती हैं परसेप्शंस की बीमारियाँ, जैसे कि हेलुसिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट परसेप्शन की दिक्कत है। हेलुसिनेशन में क्या होता है, इंसान को कुछ ऐसी चीज़ सुनाई देती है जो कि है ही नहीं, या कुछ ऐसी चीज़ दिखाई देती है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। पेशेंट आके बोलता है कि मुझे घर में बैठ के अपने पड़ोसियों की आवाज़ आती है या रिलेटिव्स की आवाज़ आती है, ऐसे रिलेटिव्स की भी आवाज़ आती है जो कि उस शहर तक में नहीं रहते। आप उनसे पूछते हैं कि मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो बोलता है नहीं लेकिन मुझे तो आ रही है। कई बार पेशेंट खुद से बताता नहीं है लेकिन उसके व्यवहार में दिख जाता है, जैसे वो अकेले बैठ के बड़बड़ाता रहता है, और बड़बड़ाता रहता है तो पूछो किससे बात कर रहे हो, तो बोलता है कि आवाज़ आ रही है, उसको जवाब दे रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हर बड़बड़ाना हैलुसिनेशन नहीं होता है, कई बार कुछ लोगों को आदत भी होती है बड़बड़ाने की, बट अगर किसी को कुछ आवाज़ आ रही है और उसके रिस्पॉन्ड में वो बोलता जा रहा है तो आपको लगेगा कि वो अपने आप से बातें कर रहा है, जिसको इंग्लिश में हम मटरिंग टू सेल्फ बोलते हैं। आमतौर पर ऑडिटरी हेलुसिनेशन या कि कुछ आवाज़ आना ही बीमारी में पाया जाता है, बट कुछ लोगों को विजुअल हेलुसिनेशन भी हो सकती हैं, कुछ ऐसा दिखता है जो कि है ही नहीं। तो ये तीन चीज़ें, इमोशंस की दिक्कत, परसेप्शन की दिक्कत और थॉट की दिक्कत, अक्सर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में पाया जाता है। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि आम जनता साइकेट्रिक इलनेस को पागलपन से जोड़ देती है, उनके मन में है कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो गया, मेंटल डिसऑर्डर हो गया, मतलब पागल हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइकेट्रिक इलनेसेस भी दो टाइप की होती हैं, एक को हम बोलते हैं कॉमन मेंटल इलनेसेस जो कि आम लोगों में आम तौर पे पाई जाती हैं, और एक होती हैं जो थोड़ी सीरियस होती हैं, सीवियर मेंटल इलनेसेस। तो हम लोग अपने परिवार वालों में, अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में कहीं भी पता चलता है कि ऐसी कोई दिक्कत है तो उसको आमतौर पर छुपाने का प्रयास करते हैं। समाज का डर लगता है कि लोग हंसेंगे, लोग क्या बोलेंगे, बेइज्जती हो जाएगी, और बीमारी को आप छुपा के ख़त्म तो नहीं कर पाते हैं, बट बीमारी बढ़ने लगती है और सीवियर हो जाती है। हमारे पास जब पेशेंट्स लाए जाते हैं क्लिनिक्स में, तो कई बार ऐसा हम देखते हैं कि कई सालों से दिक्कत चल रही थी बट परिवार वाले मान ही नहीं पाए कि बीमारी है, और पेशेंट को डांटते रहे कि तुम अपने आप को ठीक करो, एक्सरसाइज करो, बाहर जाओ, और उनको लगता था ये सब करके बीमारी ठीक हो जाएगी। देखिए, अगर बीमारी है तो इलाज से ठीक होगी। दूसरी चीज़ देखी जाती है कि लोग बीमारी को ना मान के भूत प्रेत में या फिर ऊपरी हवा में, इन सब चीज़ों में बिलीव करने लगते हैं। पेशेंट को डॉक्टर के पास ना ले जाके मंदिरों में, मस्जिदों में, बाबा, मौलवी, इन सब के पास ले जाया जाता है और बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, बीमारी फिर से बढ़ने लगती है। तो मैं अपने मरीजों को हमेशा ही कहता हूँ कि देखिए, अगर आपको मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, चर्च जाना है, पंडित के पास जाना है, मौलवी के पास जाना है, तो जाइए, बेशक जाइए, लेकिन इलाज मत रोकिए। अगर आपका मन कर रहा है कि इस टाइप की चीज़ें की जाए, तो कम से कम उनको इलाज के साथ करिए, वो चीज़ें इलाज का सब्स्टिट्यूट नहीं है। और मैक्सिमम चीज़ें जिसको कि ऊपरी हवा बोला जाता है, वो मानसिक बीमारियों के लक्षण होते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस इतना ही है कि यदि आप, आपके परिवार में, आपके नून टू में किसी को इस टाइप के कोई लक्षण आ रहे हैं, तो उसको इग्नोर करने की जगह आपके शहर में जो भी पास में साइकेट्रिस्ट हैं उसके पास ले जाके इसका इलाज करवाइए। मानसिक बीमारियों का इलाज संभव है, लेकिन अगर मानसिक बीमारियों को छुपाने की कोशिश की जाएगी, बहुत समय तक उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाएगा, तो फिर वो बीमारियाँ बढ़ने लगती हैं। मुझे उम्मीद है मैं मानसिक बीमारियों के लक्षण के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ, और हमारा प्रयास यही है कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में सही और मेडिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाई जाए। धन्यवाद, शुक्रिया।